बहराइच विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट में दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 26 दिन के ट्रायल में कोर्ट ने 46 दिन में ही नाबालिग पीड़िता को इंसाफ दिया है। बता दें कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी 13 वर्षीय बालिका नाबालिग 11 जून को शादी समारोह से लौट रही थी, जिस दौरान आपको बता दें कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कैसरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने पुलिस को जल्द से जल्द पैरवी करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट वरुण मोहित निगम ने की। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रकाश सिंह ने बताया कि 26 दिन ट्रायल चला, जबकि नाबालिग को 46 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ दिया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो जनपद बहराइच, आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो से वरुण मोहित निगम द्वारा थाना कैसरगंज से संबंधित मुकदमे में अपराध संख्या 212/23 में अपराधी सोनू भारत को 376 और 3/4 पॉक्सो में सजा 20 साल की सुनाई गई है और 1,00,000 जुर्माने से दंडित किया गया है। ये थाना कैसरगंज मोहरी कला से संबंधित मुकदमा था, जिसमें पीड़िता एक शादी में गई के कार्यक्रम में गई थी, वहीं पर इसने अभियुक्त ने उसको शाम को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसमें कितने दिन के ट्रायल में इसमें मात्र 26 दिन के ट्रायल पर ये इसमें अपराधी को न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है और मुकदमा दर्ज होने के 46 दिन के अंदर इसमें सजा न्यायालय द्वारा दी गई। किस कोर्ट ने सजा सुनाई? ये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट से वरुण मोहित निगम द्वारा इसमें सजा सुनाई गई है।